मॉर्निंग क्लास मैं आज अंदर में आज खड़े हैं आपको पढ़ाने के लिए। कृष्ण गोपाल नंदन, कृष्ण गोपाल नंदन संस्कृत में देखिएगा पेज नंबर 200 में लिखा हुआ है लेसन नंबर 7 सप्तमा पाठ कृष्ण गोपाल नंदन। ठीक है, तो कहते हैं देखिएगा का सुविदित में शीघ्र ही उपाय ने उस शिशु को लेकर के
तम आधा है उसको लेकर के, उसको लेकर के उतार कर आया मतलब होता है ऊंची तरंग वाली यमुना को पार करके, ऊंची उतार कर आया यमुना की ऊंची तरंग वाली यमुना को पार करके, तीर माने पार करके गोकुल नंदी में हम जाते हैं। गोकुल में नंदी घर, नंदी के घर पहुंचे, नंदी के घर मतलब उसको पहुंचे मतलब उसको कहाँ पहुंचा दिया भगवान जी को, नंदी के घर पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्णा जना नाम लेने बल्लवा आसन, तत्र बाल्य मतलब वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण जना नाम लोगों के हृदय में, लोगों के हृदय के मतलब जना नाम हृदय बल्लवा भगवत। श्री कृष्ण बचपन से ही व्यक्तियों के हृदय में, व्यक्तियों के हृदय में मतलब व्यक्तियों के हृदय के लिए बन गए। तत्र बाल्या देवा श्री कृष्णा, उस तब बाल बचपन से ही भगवान कृष्ण लोगों के हृदय के हृदय के पात्र बन गए। बालिकाले पात्र अयम स्वसौंदर्ये बालिका च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत्। कहते बालिका के माने बचपन से ही ये अपने स्वसौंदर्य, अपने सौंदर्य के द्वारा, अपनी सुंदरता के द्वारा बालिकाया, ये बालिका श्री कृष्ण अपनी सुंदरता और बालिकाओं में श्री कृष्ण की मतलब बचपन से श्री कृष्ण की सुंदरता और उनकी बालिकाओं में जा सर्वेशा जनाना मनंजर, सबके मन को मोह लिया। को काफी गुरु का कोई गोपी तम अंगम स्मरण से अपने बाहों में बंध दी, स्वाभ्रम्य नयति माने ले जाना और उसे अपने घर ले आई थी। अपराध जब गुरुतम पाए और कोई उसे जाकर के दूध पिलाती थी, अन्याय जब बसने जमीन जम दला और कोई गोपी जाकर के उसको समीतम मान्यता रखा दलाती मानी देती थी और वो उसको जाकर के क्या करती थी, मक्खन देती थी। वो जाकर के उसको मक्खन देती थी। श्री कृष्ण प्रेमरा दत्ता मुद्दम कर, श्री कृष्ण भगवान प्रेमरा मान्यता प्रेम से, प्रेम से पीते थे, नवनीतम चा भगत थी और मक्खन खाते थे। अवसरम प्राप्त और अवसर प्राप्त होने पर स्वामित्र अपने मित्रों के साथ में, वो वैसे ही अपने मित्रों और गोपियों के साथ में कष्ट रहे मतलब किसी के घर में जाकर के प्रवेश कर जाते थे, किसी के घर में मतलब चले जाते थे, दही खाते थे, मित्र लिया लगाती मतलब स्वयं खाते थे, मित्रों को देते थे और अब सिस्टम नहीं छूटता है, बचा हुआ बच जाता था। अब सिस्टम दही दूध को पाते थे और जो बच जाता था उसको उस दही को भूमि पर फेंक देते थे। यदा कदा दही भाटा चार होते और कभी कभी क्या होते थे, दही का जो बर्तन होता था उसको भी तोड़ देते। एक सर्व पुरुतो अभी इन सब कार्यों के द्वारा भी ये सीरेन सौंदर्य इन्होंने अपनी शिष्टता के कारण और सौंदर्य के कारण ये प्रभावित थे। ना वो अभी तस्मय कृत भी इनसे कोई क्रोध नहीं करता था, पर सर्वे तस्मय पर सब लोग उनसे स्नेह करते थे, पर सब लोग इनसे स्नेह करते थे। तदनंतरम अनंतरम श्री कृष्णा गोपाले से वरम बद्वा गा चारे तत्चारे वादे। कहते हैं अनंतरम श्री कृष्णा, अनंतरम माने उसके बाद भगवान कृष्ण क्या करते थे, अनंतरम भगवान कृष्णा कहते हैं अनंतरम भगवान कृष्णा उसके बाद भगवान कृष्ण गोपालों के साथ बजाते थे, गाचारे के गाने गुजराते थे, पेड़ों वाले थी पक्षी बजाते थे, अनेक सर्वे का गावा और सभी गाने और गोपाल सर्वाणी कार्य सब कार्यों को छोड़ करके क्या करते थे, तस्वेर वाली सुनती, तस्वेर वाली सुनती
जगत में आपका खाते पीते थे और सब कार्य को छोड़ करके बंसी वादन को सुनते थे, मतलब बंसी की बंसी को सुनाते थे, बंसी की जो आवाज आती है उसको सुनते थे। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा आया, महाकवि व्यास संस्कृत भाषा के भक्त कवि, सूरदास सूरदास भक्त सूरदास भक्त कवि हिंदी भाषा आया, उससे बाद विद्याया अति सुंदर वर्णन कहते हैं व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में इनकी बाल लीलाओं का अति सुंदर वर्णन क्योंकि बाल लीलाओं का अति सुंदर वर्णन किया। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और महाकवि सूरदास ने हिंदी भाषा में इनकी बाल लीलाओं का किया। यदा अयम बाला ये आसी तदा कंसुका हंडी तुमसा बहुल राजान राजास राजसान कृष्य कहते जब वो बालक थे, जब वो बालक ही थे तब 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 उन्होंने कंस को हंतु तुमसा कंस का उन्होंने वध किया। बालक थे उस समय कंस ने वध करने के लिए कंस ने वध करने के लिए एक से तब कंसम का हंतुम कृष्या बहुल राक्षसना कृष्य जब ये मतलब बालक ही थे तब ही कंस ने इनको मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्णा पर श्री कृष्ण ने स्वकौशल अपने कौशल के द्वारा शौर्य के द्वारा दान सर्वाया सबको सबका वध कर दिया। सब ना केवल राक्षस से लिया ये केवल राक्षसों का ही नहीं अनेक देवताओं ने भी अनेक शक्तियों ने भी गोकुलवासियों के नाम गोकुलवासियों के रूप की रक्षा करते थे। एकदा वर्षाकाले गोविंदा यमुनाया जलम एवं अवर्य एकदा माने एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल था वेगेन अवर्य तथा यमुना का जल बहुत बढ़ गया। पशुओं गोपाले चार पत्रा पशुओं गोपाले चार पत्रा अंतराय तो कहते हैं कि एक बार मतलब विपत्तियों में गोकुल रक्षा की। एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का पानी तेजी से बढ़ने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके उस समय देखिए कहते हैं गोकुलवासियों के नाम आरक्षित थे। गोकुलवासियों के गुरु की रक्षा करते थे। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलमेवावर्धता तथा श्री कृष्ण स्वप्राणे अवर्गणे अविगण से सर्वानां गोकुलवासिनां आरक्षित यदि एक बार वर्षा काल में वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल बहुत तेजी से बढ़ा है उस समय श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की रक्षा न करती उन्हें अपने प्राणों की रक्षा करना करती सब गोकुलवासियों की रक्षा की आरक्षित माने रक्षक की रक्षा की। एक नियम संकेत वह हवन सर्वान पशुन गोपाला चार पत्र अय कहते हैं इस तरह अग्नि के प्रज्वलित अग्रणी इस तरह अग्नि के प्रज्वलित होने पर उन्होंने समस्त पशुओं और गोकुलवासियों की रक्षा की। सा निरंतर गोकुल जन नाम पुष्टानी वाय वे निरंतर गोकुलवासियों की और जनाना मतलब लोगों के कष्टाय निवारक प्रश्नों का निवारण करते थे मतलब प्रश्नों को दूर करते थे। पेशाम हृदय पदम धारे पेशाम इसलिए आज हमारे हृदय में विराजमान है अतः श्री कृष्ण बालिकाल में सर्वोत्तम हुई इसलिए श्री कृष्ण बालिकाल में बचपन से ही सर्वोत्तम गुणों को परोपकार की भावना के कारण तब इस सर्वोपकार का माध्यम से ही वे अपने गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हुए। भावना के कारण ये लोकप्रिय हुए। देखिए कृष्णा का आशीर्वाद कौन थे कृष्णा कृष्ण कौन थे देखिए देखा है श्री कृष्णा लोगों
that day to come. Friends, Krishna Kasi, Sri Krishna, Lokotro, Manusha, Kasi. Take a Kansa Kasi, Kansa, Kanda. Sri Krishna Se, Kansa Kasi, Kansa Ha, Sri Krishna Se, Manda Asi. मतलब कंस जो था श्री कृष्ण का मामा था तो लिखेंगे कंसा श्री कृष्ण से मातुला नहीं कंसा का सी कंसा मातुला श्री कृष्ण आसी कंसा मातुला श्री कृष्ण आसी श्री घूमने लगते हैं देखिए कंसा का सी कंसा मातुला नहीं कृष्ण का सी कृष्ण लोगों को मालूम था कंसा कासी कंस कृष्णस कृष्ण कंसा माम श्री कृष्णस कंसा श्री कृष्णस से मामना मातुला श्री कृष्णस से मातुला कृष्णस से मातुला की दिशा शास्त्रास देखेंगे देखिए इसमें लिखा है श्री कृष्णस से मातुला कंसा अत्याचार शास्त्रास है ना श्री कृष्ण का मामना कैसा शासक था तो मामा अत्याचार शासक था तो श्री कृष्ण से मातुला कंसा का अत्याचार शासक आसी देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या हुआ श्री कृष्ण ने जन्म पुत्र अवध श्री कृष्ण का जन्म का पुत्र पुत्र माने होता है कहाँ हुआ था तो लिखेंगे श्री कृष्ण का जन्म मथुरायाम अवध इका मथुरायाम अवध श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था श्री कृष्ण का जन्म श्री कृष्ण से जन्म मथुरायाम अवध ठीक श्री कृष्ण जन्म कदा अवध कब हुआ था तो देखेंगे श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद से कृष्ण पक्ष से अष्टायाम तिथौ अवध अष्टायाम तिथौ अवध देखिए सेकंड पैराग्राफ में मथुरायाम अलग हो जाएगा मथुरायाम आएगा कहाँ पर आएगा नंबर फोर में आगे दिया जाएगा पुत्र अवध लिखेंगे श्री कृष्ण जन्म मथुरायाम अवध हो गया कुछ पूरा तो श्री कृष्ण जन्म कदा अवध तो लिखेंगे श्री भाद्रपद से कृष्ण पक्ष से अष्टम्या तिथो अवध ठीक है श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय श्री कृष्ण कैसे लोगों के लोकप्रिय हो गए लोकप्रिय कैसे हो गए कैसे लोकप्रिय हो गए तो लिखेंगे श्री कृष्ण से परोपकार भावनाया श्री कृष्ण से परोपकार भावनाया वा और सह उत्तम गुणों के कारण सह उत्तम गुणी लोकप्रिया अवध लोकप्रिया अवध श्री कृष्ण से परोपकार भावनाया स्व उत्तम गुणी लोकप्रिया अवध ठीक है अब देखिए लिखा है वसुदेव पुत्र से रक्षा किम अभूत मतलब वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा कैसे की वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा कैसे की कहते हैं वसुदेव पुत्र से रक्षा पुत्र की रक्षा करने के लिए देखो इसमें दिखाया लिखिए वसुदेवा पुत्र से रक्षा सदो जानतम आदाय उत्तार तरंगाया यमुनाया तीरे उत्तीर्या गोपरे नदियां प्राप्य तो देखिए तो परम देखिए परम में लिखेंगे वसुदेव पुत्र से रक्षा सद्यो जातम ज्ञातम तब आदाय उत्तार तरंगाय यमुनाया तीरे गोपुरे नदियां प्राप्य गोपुरे नदियां प्राप्य ठीक है देखिए वन टू थ्री लाइन थर्ड पैराग्राफ में देखिएगा सेकंड संस्कृत भाषाया श्री कृष्ण से बारे लीलाया वर्णन की मंगू कहता है संस्कृत भाषा में श्री कृष्ण के बारे लीला का वर्णन किसने किया था व्यास जी ने व्यास किया था तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषाया श्री कृष्ण से बारे लीलाया वर्णन व्यासा की मकरो कहा करो लिखो या कहा करो तो कहाँ की जगह पर आ जाएगा व्यासा व्यास लिखने के बाद में उसमें दो विसर्ग लगा देते हैं हो जाएगा व्यास अवरोध ठीक
biasa aku. Apa yang kaya? Kasetam hantu-hantu iki maku. Kansa tam hantu ki maku. Krishna se kaya kansa Sri Krishna se aja. Ika kansa tam Sri Krishna hantu ki maku. Kan Sri Krishna ko hantu ki maku mana beja? Tu ika kisko beja? कहते हैं कंसा श्री कृष्ण हंतनम बहुत अच्छा संगति कंसा तम हंतुम ये कृष्ण का भी बहुत अच्छा सान बहुत राज सान ऋषि मतलब कंस ने बहुत से राजाओं को मार दिए कृष्ण के लिए बहुत से राजाओं को भेजा श्री कृष्ण को जाता श्री कृष्ण पुत्र जाता है श्री कृष्ण कहां पुत्र तो कहते हैं श्री कृष्ण कारागारी जाता श्री कृष्ण कारागारी श्री कृष्ण आता है कारागारी जाता ठीक देखिए इसमें इससे एक बार आपको बता देते हैं देखिए एकाए कृष्ण का आसी कृष्ण का आसी कृष्ण लोकपुत्र महापुरुषा आसी कंस का आसी कंस श्री कृष्ण महापुरा आसी नंबर 3 श्री कृष्ण जन्म मथुरायाम अभवत् श्री कृष्णस्य जन्म मथुरायाम अभवत् और श्री कृष्ण जन्म कदा अभवत् तो क्या लिखे पुत्र अभवत् हो गया कहाँ और कदा अभवत् श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपादस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम अभवत् अष्टम्याम तब अष्टायाम अभवत् अष्टम्याम तिथौ अभवत् ठीक है श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय आसीत् तो कहते हैं श्री कृष्ण से परोपकार भावनाया च उत्कीर्णई च लोकप्रिय अभवत् मतलब परोपकार की भावना से और अच्छे गुणों के कारण भी लोकप्रिय हो गए अच्छे गुणों के कारण लोकप्रिय हो गए आगे देखिएगा वसुदेव पुत्र से रक्षार्थ वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा कैसे तो कहते हैं वसुदेव पुत्र से रक्षार्थ वसुदेव पुत्र की रक्षा करने के लिए वसुदेव पुत्र से रक्षार्थ सद्योजातम मतलब होता है उसी समय जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सद्योजातम उसी समय उत्पन्न है शिशु को लेकर यम मतलब लेकर के लिखा है तम आदाय तार तरंगाया बाह्य विनाया उत्कीर्णोभरे नंदग्रहम प्राप्य नंदग्रहे संस्कृत भाषायाम श्री कृष्ण से बाल लीलाया वर्णन कहते हैं व्यास श्री कृष्ण से जन्म संस्कृत भाषायाम श्री कृष्ण से बाल लीलाया वर्णन व्यास अच्छा बताइए कंस कभी हंतुम कम की मगरू कभी हंतुम की मगरू कंसा श्री कृष्ण से हंतुम प्रेषिता बहु राजसाना आये श्री कृष्ण पूछ जाता श्री कृष्ण कारागारे जाता श्री कृष्ण कारागारे जाता तो ये प्रश्न श्री कृष्ण गोपाल करना मैंने आपको पूरा रस्ता नहीं करवा दिया है और उसके बाद देखिए प्रश्न क्या चल रही है आप इसको आप अपने आप लिखिएगा और एक बात हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा है कि लाइव क्लास जो है लाइव क्लास होती है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा जिससे कि आपको डाउट हो तो आप पूछ सकें है ना वीडियो बना कर डालने से क्या फायदा होता है तो फायदा नहीं होता इसलिए आपसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर ठीक है तो ठीक है 10:45 में दिया क्लास आप किसी को ज्वाइन ठीक है लाइव क्लास आप ज्वाइन कर दीजिएगा ओके बाय